नमस्कार, मैं हूं मैक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है करनाल से, जहां करनाल में पुरानी सब्जी मंडी के समीप रणबीर सिंह हुड्डा पार्क के नजदीक आम आदमी पार्टी द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। जी हां, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का पुतला जलाया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा मदन ढींगड़ा के खिलाफ जो आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है, उसके विरोध में आज यहां प्रदर्शन किया गया और मौजूदा सरकार को विरोध जताकर शहीदों का सम्मान करने की नसीहत दी गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कश्मीर की लड़कियों के बारे में दिए गए बयान पर भी आपत्ति जताई गई और मुख्यमंत्री के इस बयान की घोर निंदा की गई। आम आदमी पार्टी के बड़े संख्या में कार्यकर्ता यहां इकट्ठा होकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दिए। यहां हम आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कश्मीर से बहू लाने के बयान पर चारों तरफ निंदा की जा रही है। उसी कड़ी में करनाल में आम आदमी पार्टी द्वारा अपना विरोध जताया गया और मुख्यमंत्री का पुतला जलाया गया। हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन 11 तारीख को हुआ था और जो खट्टर साहब ने एक बयान दिया था, मंगल पांडे के एक विवादित बयान दिया था, उन्होंने शहीद नहीं माना इसको। जिन्होंने 1857 की क्रांति की पहला जो शहीद हुआ था वो मंगल पांडे था। क्या क्या बयान दिया खट्टर ने? उन्होंने ये कहा था ये शहीद नहीं है, ये शहीद नहीं है, ये तो गद्दार है, ये कहे थे भाई, ये शहीद नहीं माने उसको। कहाँ पे कहा था ये? देखो ये करनाल आए थे पीछे जब कहा था। ठीक है, तो आज मतलब किसका पुतला फूंका? आज हमने खट्टर साहब का पुतला फूंका मंगल पांडे की मान और सम्मान के उसमें, और उसको एक रोष प्रकट करा कि मारे शहीद को उन्होंने शहीद क्यों नहीं माना, क्यों अब शब्द का उसको भाई ये शहीद सुध नहीं है, ये तो आतंकवादी थे, पता नहीं अंडे थे। पुतला तो आपने जलाया, पुतले के नाम पे आपने एक राष्ट्रीय अखबार इकट्ठा इसलिए हुए है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जो पहला स्वतंत्रता संग्राम का पहला शहीद था, जिसने स्वतंत्रता संग्राम की पहली चिंगारी जलाई थी, उसको शहीद मानने से इनकार किया और उनकी शान में गलत शब्द कहे। क्या शब्द कहे? उन्होंने अब शब्द कहे और इसको अंडेर कहा। इसलिए आज हम यहाँ इकट्ठे हुए, हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने इनको 24 घंटे का टाइम दिया था कि 24 घंटे में मनोहर लाल माफी मांगे, नहीं तो मंगलवार को प्रदर्शन किया जाएगा और मनोहर लाल के पुतले जलाए जाएंगे। सारे हरियाणा में आज डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्रदर्शन किया जा रहा है। किसी को ज्ञापन दिया आपने? हमने ज्ञापन सौंपा है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।